बीएसपी की उम्मीद के विपरीत जो नतीजे आए हैं, तो उससे घबराकर व निराश होकर पार्टी के लोगों को कतई भी टूटना नहीं है। राजनीतिक हालात बीजेपी ने भी देखे हैं। जब आज़ादी के बाद से काफ़ी लंबे समय तक देश में राज करने का मौका यहाँ की जनता ने इनको नहीं दिया था। मानसिकता रखने वाली पार्टियों के साथ साथ जातिवादी मीडिया भी, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल हैं, ये भी नहीं चाहता है कि यहाँ के खासकर गरीब, दबे कुचले, गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में। बीएसपी की उम्मीद के विपरीत जो नतीजे आए हैं, तो उससे घबराकर व निराश होकर पार्टी के लोगों को कतई भी टूटना नहीं है, बल्कि उसके सही कारणों को समझकर वह उनसे बहुत कुछ सबक सीखकर अब हमें अपनी पार्टी व मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाना है तथा आगे चलकर सत्ता में भी जरूर आना है। तभी फिर यहाँ गरीब, असहाय, दुखी, पीड़ित व कमजोर वर्गों के लोगों का सही से भला हो सकता है। और अब तो इनके प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों के साथ साथ जातिवादी मीडिया भी, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल हैं, ये भी नहीं चाहता है कि यहाँ के खासकर गरीब, दबे कुचले, गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी। राजनीतिक हालात बीजेपी ने भी देखे हैं। जब आज़ादी के बाद से काफ़ी लंबे समय तक देश में राज करने का मौका यहाँ की जनता ने इनको नहीं दिया था, बल्कि यूपी में भी सन 2017 से पहले भाजपा की स्थिति यहाँ कोई खास अच्छी नहीं थी। और अब इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी लगभग उसी हालत से गुजर रही है, जिस खराब हालत से पहले भाजपा गुजर चुकी है। इसलिए कल आए चुनाव परिणाम आगे के लिए फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों, प्रायोजित मैनेज किया हुआ सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत विपरीत है, बिल्कुल उलट है। क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी। बीएसपी को बड़ा भारी नुकसान ये हुआ कि बीएसपी समर्थक अपर कास्ट व ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों में भी ये डर फैल गया कि सपा के सत्ता में आने से दोबारा यहाँ जंगल राज आ जाएगा और फिर ये लोग भी भाजपा की तरफ चले जाएंगे। इस प्रकार से भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई हुई पार्टी बीएसपी से ज़्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की है। साथ ही हमें ये भी मानकर चलना चाहिए कि अब बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है, क्योंकि पूरा खून पसीना बहाने के बावजूद भी जो यूपी का इस बार परिणाम आया है, तो उससे बुरा और क्या हो सकता है। अर्थात पार्टी के लोगों को निराश व हताश कतई नहीं होना है और अपने स्वाभिमान व मूवमेंट की सफलता के लिए पहले की तरह ही पूरे जी जान से पार्टी के कार्य में लगे रहना है। साथ ही इस बार यूपी में पार्टी की अपेक्षा के मुताबिक नतीजे नहीं आने को लेकर फिर
फिर से मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ, इस बार चुनाव में मुसलमानों का वोट एक तरफा सपा की ओर जाते देखकर दलित वर्ग में से मेरे खुद के समाज को छोड़कर बाकी सभी हिंदू समाज में सपा के रहे गुंडा, माफिया, आतंकी व भ्रष्ट राज को याद करके तथा ये सोचकर कि कई हिंदुओं का वोट बटने से सपा सत्ता में वापस ना आ जाए, इसके डर से इन्होंने बीजेपी की नीतियों व कार्यशैली से दुखी व परेशान होते हुए भी अपना एक तरफा वोट बीजेपी को अंदर अंदर। अब मैं बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं अनुयायियों के साथ साथ सर्व समाज के उन सभी लोगों का भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने बीएसपी को जिताने के लिए यह रात दिन काफ़ी कड़ी मेहनत की है तथा पूरे तन मन धन से भाजपा को हराने के लिए यहाँ लगे रहे।